हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुरभिज एक्टिविटीज। आज हम करेंगे एन एडवेंचर ट्रिप। देखो इस चैप्टर के बारे में पहले कुछ लाइंस दी गई हैं, उनसे हमें पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में हम आज क्या पढ़ेंगे। दिस स्टोरी विल इंट्रोड्यूस यू ऑल टू द नेपाल, अ ब्यूटिफुल कंट्री एंड इट्स पीपल। यू विल गेट टू नो अबाउट देयर कल्चर, देयर लाइकिंग्स एंड ऑफकोर्स अबाउट शेरपाज। कम ऑन, लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। तो ये जो स्टोरी है आपको नेपाल, जो कि खूबसूरत कंट्री है, नेपाल और उसके लोगों के बारे में बताएगी और हमें इसके द्वारा उनके कल्चर के बारे में, उनकी लाइकिंग्स के बारे में और शेरपा के बारे में पता चलेगा। चलो इसको पढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग जेनो, नमस्ते। टाइम टू वेक अप एंड सी द माउंटेन। नमस्ते सैरिंग, आई सेट। तो राइटर कहते हैं कि सैरिंग ने मुझे गुड मॉर्निंग विश किया और नमस्ते कहते हुए कहा कि उठने का समय हो चुका है और बाहर पहाड़ों को देखो। सैरिंग मेड इट अ हैबिट टू ब्रिंग मी ब्लैक टी एट 6:15 एवरी मॉर्निंग ऑन द ट्रे। तो राइटर कहते हैं कि सैरिंग ने मुझे सुबह 6:15 पर ब्लैक टी की एक हैबिट बना दी है। इट वॉज कस्टमरी टू से नमस्ते। तो नेपाल में नमस्ते कहना एक प्रथा है। नमस्ते इज द नेपालीज एक्सप्रेशन दैट ट्रांसलेट टू आई सल्यूट द गॉड विद इन। नेपाल में नमस्ते बोला जाता है, उसका मीनिंग होता है कि मैं आपके अंदर के परमात्मा को सल्यूट करता हूँ। When he opened the door to the hut, the bright sunlight seemed almost blind। जब वो उस हट का दरवाजा खोलता है तो जो सूर्य की किरणें हैं वो बिल्कुल अंधा कर रही, मीन्स की उनमें बहुत तेज चमक थी। Sering was one of the sherpas I hired to carry me up and down the mountains। अब वो बताते हैं कि Sering कौन है। Sering एक शेरपा है जो मुझे पहाड़ों से ऊपर या नीचे लेके जाने के लिए मैंने उसको हायर किया है। अ शेरपा इज द नेटिव ऑफ शेरपा एरिया ऑफ नेपाल। शेरपा कौन होते हैं? शेरपा नेपाल का एक शेरपा एरिया है, उसके जो नेटिव है वहां के रहने वाले हैं उनको शेरपा बोला जाता है। द वर्ड शेरपा इज समटाइम्स मिस्टेकनली अप्लाई टू ऑल पोर्टर्स। और कई बार जो शेरपा वर्ड है इसको मिस्टेकनली, गलती से सभी जो लोग वहां पहाड़ों में पोर्टर होते हैं, कैरियर होते हैं, उनके लिए यूज कर लिया जाता है, लेकिन ये सिर्फ उस एरिया के लोगों को कहा जाता है। ओके, आई हायर्ड 4 शेरपास टू टेक टर्न्स कैरिंग मी वन एट अ टाइम ऑन देयर बैक। तो राइटर बताते हैं कि मैंने 4 शेरपा को हायर किया था कि वो एक एक करके मुझे अपनी पीठ पर उठाते रहे। दे पुट मी इन ए बिग वीकर बास्केट कॉल्ड अ डुक and carried me up and down steep mountains and across foot bridges like the kind you see in Indiana Jones movies। शेरपा मुझे एक बास्केट में, जिसको डोको बोला जाता है, ये वाली बास्केट, इसमें बिठा के तीखे पहाड़ों से ऊपर नीचे लेके जाते थे और कई बार हमने पुल भी क्रॉस किए। ये पुल बिल्कुल वैसे थे जैसे इंडियाना जोन्स मूवीज में देखे जाते हैं। और डोको यूजली यूज टू कैरी स्प्लाइज और स्मॉल चिल्ड्रन। जो डोको है, जो ये बास्केट है, इसको ज्यादातर जो सामान है उसकी आपूर्ति के लिए, छोटे बच्चों को उठाकर लेके जाने के लिए यूज किया जाता है। इट इज लाइट येट स्ट्रॉन्ग। ये हल्की होती है लेकिन बहुत मजबूत होती है। आफ्टर आई गोट सम हेल्प गेटिंग ड्रेस्ड एंड इन टू माई व्हील चेयर आई वॉज ट्रीटेड टू मोर ब्लैक टी एंड सम तिब्बतन ब्रेड। तो वो कहती है, जो राइटर है वो कहते हैं कि मुझे ड्रेसअप होने के लिए कुछ हेल्प चाहिए थी और मुझे उन्होंने व्हील चेयर पे भी बिठाया, उसके बाद मुझे कुछ और ब्लैक टी और तिब्बतियन ब्रेड दिए गए। तिब्बतियन ब्रेड इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ फ्लैट फ्राइड डोनट, इट इज सर्व्ड विद जैम और हनी। वो कहते हैं कि जो तिब्बतियन ब्रेड है वो एक तरह का फ्लैट फ्राइड डोनट होता है जिसको जैम या शहद के साथ खाया जाता है। During breakfast, we enjoyed looking at mountains. The mountain that Sering spoke of, Mache Puchara, one of the more famous of Himalayan mountains. First के दौरान हम पहाड़ों की तरफ देख के enjoy कर रहे थे और जिस पहाड़ को हम देख रहे थे, Sering ने बताया कि उसको वहाँ पे माछे पुछारा बोला जाता है। ये हिमालय के famous mountain में से एक है। Nepal is famous for having 7 of the 8 tallest mountains in the world. जो नेपाल है वो इस चीज के लिए प्रसिद्ध है कि संसार के जो सबसे लंबे 8 माउंटेन हैं, उनमें से 7 नेपाल में है, 8 में से 7 नेपाल में है। द टॉलेस्ट माउंटेन हेयर इन नेपाल, इनफैक्ट इन द वर्ल्ड, इज माउंट एवरेस्ट। संसार का सबसे टॉलेस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट ही नेपाल में है। बिकॉज एवरेस्ट इज सो टॉल,
द पीक इज ओनली विजिबल फ्रॉम सर्टेन एरियाज ऑफ नेपाल एंड ओनली वेन देर इज नो क्लाउड कवर। वो कहते हैं कि एवरेस्ट इतना ऊंचा है कि इसकी जो शिखर है, इसकी जो चोटियां हैं, वो किसी किसी एरिया से ही दिखाई देती हैं, और वो भी तब जब वहां पे बादल ना हो। ओके, आफ्टर ब्रेकफास्ट इट वॉज टाइम टू स्टार्ट ट्रैकिंग अगेन। ब्रेकफास्ट के बाद फिर से ट्रैकिंग का समय हो गया। ट्रैकिंग रेफर्स टू हाइकिंग अलॉन्ग द ट्रेल्स दैट लिंक नेपाल्स आइसोलेटेड विलेजेस एंड सेटलमेंट एंड इज सिमिलर टू बैक पैकिंग। पर जो ट्रैकिंग है वो नेपाल के दूर दराज गांवों से जुड़े हुए रस्तों पर किया जाने वाला पर्वतारोहण है, और ये एक तरह से बैक पैकिंग के समान है। हाउएवर व्हाइल पीपल गो बैक पैकिंग टू गेट अवे फ्रॉम पीपल इन नेपाल यू आर अ विजिटर टू पीपल्स होम्स एंड विलेजेस। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है कि लोगों से दूर जाने के लिए बैकपैक करते हैं, लेकिन नेपाल में आप लोगों के घर में, उनके गांव में एक मेहमान हो। ओके, कि नेपाल के लोग आपको इस तरह ट्रीट करते हैं जैसे आप उनके मेहमान हो। बिसाइड्स अदर ट्रैकर्स वी शेयर्ड द ट्रेल विद पैक एनिमल्स एंड पोर्टर्स हु कैरिड सप्लाई टू द रिमोट विलेजेस। तो कहते हैं कि जब हम पैदल यात्रा कर रहे थे तो हमारे साथ वहां पे कुछ पैक एनिमल भी थे उस रस्ते पर, और कुछ पोर्टर जो सामान उठा के लेके जाते हैं, जो दूर दराज गांव के लिए सप्लाई करते हैं, वो भी साथ चल रहे थे। द शेरपा पुट द स्ट्रैप ऑफ द डोको ऑन द टॉप ऑफ हिज हेड विद द अदर एंड ऑफ द लेदर स्ट्रैप रैप्ड अराउंड द लोअर पार्ट ऑफ द डोको। जो शेरपा है वो डोको, जो हमने बास्केट देखी थी, उस बास्केट के जो स्ट्रैप है वो अपने हेड के बिल्कुल टॉप पे रखते हैं और दूसरा पार्ट उसका डोको के साथ बंधा होता है। ही स्टूड अप विद मी स्टिल इन द डोको एंड टेस्टेड द वेट एंड बैलेंस्ड ऑन हिज बैग। अब वो शेरपा मुझे डोको में बिठा के खड़ा हो गया और वेट को बिल्कुल टेस्ट कर रहा था और अपनी बैग पे उसका बैलेंस बिठा रहा था। नो सूनर हैड आई बीन सीटेड इन द डोको देन ही फाउंड माई सेल्फ मोबाइल ऑन द बैक ऑफ शेरपा। ही वॉक्ड हॉन्स्ड ओवर डिस्पर्सिंग मच ऑफ माई वेट ऑन हिज बैक। द शेरपास वर अमेजिंग। तो राइटर बताते हैं कि जैसे मैं डोको में बैठ गया तो शेरपा ने मुझे अपनी पीठ पर अच्छे से बैलेंस कर लिया और वो थोड़ा सा झुक के आगे की तरफ बढ़ने लगा। और जो शेरपा होते हैं वो बहुत अमेजिंग होते हैं। दे वॉक्ड एंड समटाइम्स रेन विद हैवी लोड्स ऑन देयर बैक विद कैट लाइक ग्रेस। ये लोग अपनी पीठ पे भारी बोझा उठा के भी कभी चलते हैं, कभी भागते हैं, बिल्कुल कैट लाइक ग्रेस होती है इनकी, बिल्ली की जैसे इनकी ग्रेस होती है चलने में। They were as sure-footed as mountain goats and never seemed to get tired. ये लोग भी बिल्कुल माउंटेन गोट्स की तरह sure-footed होते हैं और ये कभी नहीं थकते। They stepped over logs and up rock step with amazing ease. ऊंची ऊंची चोटियों पर बिल्कुल आसानी से चढ़ जाते हैं। Even the sun did not bother them. यहाँ तक कि सूरज भी उनको चिंतित नहीं करता। High in the mountain there are few clouds to filter out the sun rays. पहाड़ों की ऊंचाई पर थोड़े से बादल होते हैं जिनमें से छन के सूरज की किरणें आती हैं। टेम्परेचर ऑन द ट्रेल्स गोट एज हाई एज 50 डिग्री सेल्सियस इन द सन। जो ट्रैकिंग के रस्ते हैं वहां पे टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। बिकॉज ऑफ माई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी आई वॉज सेंसिटिव टू हॉट वेदर। तो जो राइटर वो कहते हैं कि मेरे स्पाइनल कॉर्ड में जो इंजरी हुई थी उसके कारण मैं गर्मी ज्यादा नहीं सहन कर पाता। Thankfully, there were plenty of trees to provide shade. Thankfully, वहां पे बहुत सारे पेड़ थे जिससे हमें छाया मिल सकती थी। The Sherpas also fixed a canopy on the doko to provide shade whether there were no trees. और इसके अलावा शेरपा ने डोको के ऊपर एक कवर डाल रखा था जहाँ पे हमें ट्री नहीं मिलते थे, ताकि उस कवर के द्वारा हमें छाया मिल सके। When I got too hot, I would shout पानी। शेरपा वर्ड फॉर वाटर। जब मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी तो मैं पानी के लिए चिल्लाया। सिंस वेरी फ्यू शेरपा स्पीक इंग्लिश आई हैड टू लर्न सम ऑफ देयर लैंग्वेज। बहुत कम शेरपा इंग्लिश बोलते हैं तो मुझे उनकी लैंग्वेज थोड़ी बहुत सीखनी पड़ी। व्हेन आई सेड पानी दे स्टॉप्ड टुक माई हैड एंड सोक्ड इट इन कोल्ड वाटर कमिंग आउट ऑफ वन ऑफ द मेनी पाइप्स स्ट्रक इन द माउंटेन्स। जब मैंने पानी कहा तो वो एक बार रुक गए और उन्होंने मेरी हैट ली और ठंडे पानी में उसको सोक किया। और वो ठंडा पानी कहाँ से आ रहा था? माउंटेन्स में जो बहुत सारी पाइप्स होती हैं उनमें से किसी एक में से वो पानी बह रहा था।
दे पुट द हैट बैक ऑन मी टू कूल मी ऑफ. वो हैट उन्होंने मुझे वापस दे दी ताकि मैं अपने आप को ठंडा कर सकूं. देयर आर मेनी प्लेसेस वेयर द नेपाली जस्ट इंसर्ट अ लॉन्ग बैम्बू शाफ्ट इन टू द माउंटेन्स. वहां पे ऐसे बहुत सी जगह होती हैं जहां पे नेपाली सिर्फ एक लंबी बाबू की शाफ्ट डालते हैं माउंटेन्स में पानी के लिए. ऑफन टाइम्स दैट इज ऑल दैट इज नेसेसरी टू कैच रन ऑफ वाटर विच फिल्टर थ्रू द माउंटेन्स. और कई बार सिर्फ इस तरह से बाम्बू शाफ्ट के द्वारा ही पानी जो पहाड़ों में बह रहा होता है उसको प्राप्त किया जाता है. Although all the Nepalis drink this water, we brought our own bottled water. That way, we did not need to worry about bacteria in the water. यदि भी ज्यादातर नेपाली इसी पानी को पीते हैं, लेकिन हमारे पास अपना bottled water था, पानी की bottles थी, इसलिए हमें पानी के bacteria से चिंतित होने की जरूरत नहीं थी. Sometimes when we stopped, I would say photo and point at something. जब कभी हम रुकते तो मैं फोटो के लिए किसी चीज की तरफ इशारा करते. They would take my camera एंड स्नैप अ पिक्चर. वो मेरा कैमरा लेते और एक पिक्चर क्लिक कर देते. नेपालीज वर वेरी हेल्पफुल. इट इज अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर. जो नेपालीज है वो बहुत मददगार होते हैं. उनके कल्चर का एक हिस्सा है. मोस्ट डिड नॉट स्पीक इंग्लिश बट दैट डिड नॉट स्टॉप देम. उनमें से ज्यादातर इंग्लिश नहीं जानते लेकिन ये बात उनको रोक नहीं सकती. इफ इट लुक्ड लाइक आई नीडेड हेल्प ईटिंग और लेइंग डाउन और डूइंग जस्ट अबाउट एनीथिंग द शेरपास वर श्योर टू ऑफर देयर असिस्टेंस. कभी भी अगर ये प्रतीत होता कि मुझे किसी चीज में कुछ खाने में नीचे लेटने में या किसी भी चीज में कोई हेल्प की जरूरत है तो शेरपा जल्दी से मेरी हेल्प करते, मुझे हेल्प ऑफर करते. दे आर वेरी काइंड एंड जेंटल पीपल. बहुत काइंड और दयालु लोग हैं. Twice a day we would stop to eat. दिन में दो बार हम खाने के लिए रुकते. The main dish for the Nepali is दाल भात which consists of white rice and lentil soup and usually plain or curried green vegetable. जो नेपाली की मुख्य डिश है वो है दाल भात. इसमें सफेद चावल और दाल का सूप होता है या कोई हरी सब्जियां इस भोजन में शामिल होती हैं. Other Nepali food include boiled potatoes, brown bread, फ्राइड पोटैटोज, पास्ता, इंस्टेंट नूडल सूप, पिज्जा एंड यॉर्क चीज. तो जो नेपाल के दूसरे फूड है उनमें से उबले आलू, ब्राउन ब्रेड, फ्राइड पोटैटो है, पास्ता है, नूडल है, यॉर्क चीज है, ये सारी चीजें शामिल है. द विलेज हैज इलेक्ट्रिसिटी. इट विल कम ऑन आफ्टर डार्क एंड द लॉजेस यूजली हैव ओनली सिंगल लाइट बल्ब पर रूम. तो उन गांवों में बिजली थी जो कि अंधेरे में ही आती थी और वहां के रहने वाले हर कमरे में सिंगल लाइट बल्ब ही यूज करते थे. देयर आर नो टीवीज, रेडियोज, इलेक्ट्रिक स्टोव्स, वॉशर ड्रायर्स और कंप्यूटर इन द माउंटेन. पहाड़ों में ना तो कोई टीवी होता है, ना रेडियो, ना इलेक्ट्रिक स्टोव, ना वॉशर. मीन्स की पहाड़ों में ऐसी कोई चीज नहीं है. द नेपालीज जनरेट इलेक्ट्रिक पावर विद मिनिएचर हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन. जो नेपाली है वो जो छोटे छोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन है वहां से बिजली पैदा करते हैं. As glacier melt, their water runs down the mountains. जैसे ग्लेशियर होते हैं ना वो पिघलते हैं तो उनका जो पानी है वो पहाड़ों से बह के नीचे आता है. There are many places where hydroelectric station are set up to take advantage of this runoff. तो जगह जगह पर छोटे छोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन बनाए गए ताकि वो इस बहने वाले पानी को यूज कर सके. When our trekking was over, I was sorry to say goodbye to our Sherpa friends. Even though we did not speak the same language, we got along very well. तो राइटर कहते हैं कि जब मेरी ट्रैकिंग पूरी होगी तो मुझे अपने शेरपा फ्रेंड को अलविदा कहने में बहुत दुख हुआ. जबकि हम एक जैसी लैंग्वेज नहीं बोलते थे फिर भी हमारे अंदर बहुत अच्छा भाईचारा पैदा हो चुका था, बहुत अच्छी सेटलमेंट हो चुकी थी. ओके, तो ये है नेपाल और वहां के रहने वाले लोगों का कल्चर. तो राइटर बताते हैं कि वहां के लोग बहुत काइंड और जेंटल है और राइटर ने अपनी जो ट्रिप है उसको बहुत इंजॉय किया. आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ आ गई होगी. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग.